एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आपको हमारा पुराना वाला वन डे टू गो सेलिब्रेशन पसंद आया होगा। आपने बहुत सारा प्यार हमारे ब्लॉग को दिया होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया हो तो अभी फटाफट कर ले। एंड टुडे हैप्पी बर्थडे टू रचित। आज है 6 अगस्त और रचित का बर्थडे है, तो ब्लॉग को एंड तक देखिए, बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट करेंगे और अच्छे अच्छे सरप्राइजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आई होप आपको आज वाला ब्लॉग भी बहुत पसंद आने वाला है। स्टे ट्यून्ड और बहुत सारा प्यार देना आपने रचित को, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनी है। कमेंट्स करके रचित को बर्थडे विशेस लिखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। आपसे उम्मीद है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करते रहिए, सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से और मैंने घर से निकलते वक्त कुछ सामान रखा है गाड़ी में आज के लिए, मतलब जो भी मैंने प्लान किया। तो रचित ने बहुत टुकुर मेरे सामान को देखा और इन्होंने बहुत ज्यादा खुराफाती दिमाग लगाना भी शुरू कर दिया कि क्या होने वाला है, बट नहीं गैस कर पाएंगे। बताओ, एनी गैसेस? नहीं, मेरे को गैस नहीं। बताओ फिर, आप लास्ट में यही बोलोगे कि हाँ मुझे पता लग गया था कि तुम ये करने वाले, तो मैं पहले ही पूछ रही हूँ, एनी गैसेस? आवाज भी नहीं आएगी आपकी इसमें। हाँ तो कुछ गैस नहीं करा अभी मैंने। करो करो, क्या हो सकता है? लगाओ खुराफाती दिमाग। बम बुलाएंगे फोड़ने के लिए। हाँ, आपके सर पे ऐसे रख के बम फोड़ेंगे। आ जाओ। आज साढ़े जीजू का है बर्थडे, ते असी बर्थडे मनाउन जा रहे हैं। असी जीजू नूं लुट्टण जा रहे हैं, चंगी तरह कुंडा करावांगे। मारने थोड़ी जा रहे तुम मुझे। कितने सारे आ गए ना उस साइड से, दिखा। बहुत शुक्र है। बताओ ये सारे क्यों आए हैं? बताओ सारे क्यों आए हैं? इनको पता है जिनके दोस्त का बर्थडे है ना, तो सब रास्ते में वेट कर रहे हैं आपका बर्थडे विश करने के लिए। हाँ, बर्थडे पार्टी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बर्थडे पार्टी आज। वो हमें ही देख रहे हैं, और पीछे से उसकी टोली आ जाएगी। देख वो छुपके देख रहा है सब कुछ। कुरकुरे की क्यों मां बहने कर रही है? वो पीछे यार मैं नहीं। नहीं, तू इनकी दोस्त है, तुझे नहीं कुछ बोलेंगे। पिता लेके जा रहे हैं हमें। वहां पे अच्छा है। ओ देख, नाइस, अच्छा। तो जो कल वाली एक्टिविटी थी ना, जिसमें मैं पूछ रही थी कि रचित के बारे में कुछ कुछ बोल लो, तो फिर मेरी बारी मिस हो गई थी। तो मैंने सोचा था ऐसे कि मैं क्या बोलूंगी। बोल भाई। क्या बोलेगी? बोल। किन्ना कर दिया प्यार जे तू पूछदा है यारा, तू ते साह तो भी नेड़े, तू ते जान तो भी प्यारा। बहुत गंदा गाया था, ठीक है, सही था, सच था। इधर आ जा, गाड़ी के नीचे आ जाओ, ठीक है ना। किन्ना कर दिया प्यार जे तू पूछता है यारा, तू ते साह तो भी नेड़े, तू ते जान तो भी प्यारा। हैप्पी बर्थडे, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ठीक है भाई, थैंक यू बहुत बहुत, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा, बहुत मस्त। तो अभी हम पहुंच गए हैं मोरनी तिक्कर ताल लेक। यहीं पे हमने सोचा है रचित के लिए कुछ सरप्राइज, तो अभी आप देखिए कि क्या होगा यहाँ पे।
और रचित को कुछ आइडिया नहीं है, हमने उसको बोला था कि सिर्फ मोरनी जाना है, हमने ऐसे तिकरदार लेक चलते हैं और थोड़ा घूम के आते हैं, बट हमने सोचा है कि यहाँ पे उसके लिए कुछ अच्छा करेंगे, केक कटिंग या फिर कुछ, अभी दिखाते हैं आपको। मतलब मैं भी श्योर नहीं हूँ कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी मैं जाती हूँ, जो ये बोटिंग वाले हैं इनसे परमिशन लेती हूँ। एक्चुअली मैंने ये सोचा है कि हम बोट को अच्छे से डेकोरेट करके और पानी के बीचों बीच रचित का केक कट कराएंगे, बट पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले मैं पूछती हूँ कि हो सकता है पॉसिबल कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो अभी फिर मिलते हैं आपसे, बोट डेकोरेट करते हैं, देखते हैं परमिशन मिलती है कि नहीं। यार उनके साथ ही चलेंगे, कल्याण नहीं आ रहा, पानी ज्यादा है। कैसा लगा सरप्राइज? मस्त। तो आज मैं सुबह जैसे कि आप लोगों से बात कर रही थी कि कुछ सरप्राइज प्लान किया है, एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो वो यही सरप्राइज था कि हम सोच रहे थे कि मोरनी तिकरताल जाके हम पानी के बीचों बीच बोट को ऐसे डेकोरेट करके रचित का बर्थडे केक कटवाने वाले हैं, कुछ अलग स्टाइल में, कुछ सरप्राइजिंग स्टाइल में। तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन रचित, और आप देख सकते हैं हमने क्या किया है। फोन पानी में गिरने वाला है, बस नहीं, फोन पानी में नहीं गिरेगा। आप देख सकते हैं हमने पूरी बोर्ड को अच्छे से डेकोरेट किया है। अभी हम करेंगे पानी के बीचों बीच केक कटिंग, आपको दिखाती हूँ दूसरे व्यू से। नोनी जब तू हाथ में लेता ना ये चलनी बंद हो जाती है, इसको पकड़ दू मैं चला। Wow, what a cake. तो ये नोनी लेके आया था। तो अब हम पानी के बीचों बीच रचित का बर्थडे केक कट करने वाले हैं। दिखा नोनी आसपास। शैडो मत देना, इसका फेस ना फिर अपने खाली आई है। So रचित, are you feeling excited? आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर 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 बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो बहुत सारा ढेर सारा प्यार देना, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग बर्थडे विशेस देना, भर भर के, कमी नहीं होनी चाहिए इस बार कमेंट्स की। और सरप्राइज कैसा लगा ये मेरे लिए क्रेडिट होना चाहिए आप लोगों की तरफ से, मुझे कमेंट्स करके बताना कि कैसा लगा आप सबको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you। कैसा है केक? अच्छा है, केक अच्छा है। यहाँ तक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, भूख लगने लगी। ये देखिए उंगलियां चाटता हुआ बर्थडे बॉय। एक्चुअली धूप बहुत ज्यादा है, थोड़ा मतलब मौसम ऐसा है अभी, बट फिर भी हमने अपना प्लान कर लिया है एग्जीक्यूट। मुझे इसी चीज का डर था कि बहुत ज्यादा अगर बाई चांस धूप हुई तो हम कैसे कर पाएंगे, बट फाइनली जो चीज करनी थी वो करनी ही थी, तो बस हो गया अच्छे से सरप्राइज प्लान जो हमने किया था वो पूरा हो गया। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है कि जो मैंने सोचा था वो उस स्टाइल में हो रहा है। इधर से। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ऐसा करके, जो प्लान किया था वो पूरा हो जाए तो उसकी तो खुशी अलग है। नहीं तो हमें केक अब यहीं मिलेगा या बाहर जाके मिलेगा? मुझे कितनी दूर चलेगी? अरे जाने दे, पूरा डर लग रहा है। गाइस आज मुझे बहुत ही मज़ा आया, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, ये अपने केक लेके आए थे ना जैसे मतलब जिस हिसाब से, मैंने सोचा नहीं था कि मतलब ये अपने बोट में करेंगे सेलिब्रेट, मतलब मैंने सोचा कि नॉर्मल ऐसे करेंगे सेलिब्रेट। तो ये जैसे ही मतलब हम अपने बोट में गए उधर अपने मोरनी में जैसे ही, तो ये अपने नोनी को कह रही कि कुछ ले आ, मैं क्या ले आ, तो देखा ये केक वगैरह लेके आ रही है जो भी,
यार आवाज नहीं आती इधर, थोड़ा रुक जा। तो केक वगैरह लेके आएगी तो मैं नहीं दौड़ने ही सही आएगा। तो मतलब केक वगैरह जो अच्छा मतलब जो भी था तो लेके आई। मैंने कहा ये क्या है, तो फिर उसके बाद में पता लगा कि इन्होंने अपना उसमें अपना बोर्ड में करना था सेलिब्रेट जैसे भी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरा बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मतलब इन्होंने अच्छे से बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया, बैलून्स वगैरह लगा के सारा बोर्ड पे। मतलब आसपास के लोग भी हमें देख रहे थे कि थैंक यू टू अंजनी, दिखाओ शक्ल, ठीक है ना। अब हमारी शक्लें थोड़ी काली आ रही होंगी तो इसमें ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ।